पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि वो कार्डियक फेल्योर या हार्ट अटैक या बेसिकली दिल की बीमारी रोग के कारण मृत्यु होने की बात बताई गई। सीसीटीवी फुटेज, मौके पे जो लोग थे शामिल उनके बयान और जो साथ में उनके लोग चल रहे थे उनके बयान से ऐसा लगता था कि नमस्कार, आप देख रहे बिहार रिसोर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था जिसपे प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिस लाठीचार्ज में बीजेपी की एक नेता की मौत हो गई थी और कल देर रात उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वो भी अब निकलकर सामने आ गया। और ऐसे में आप देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, जहाँ एक तरफ बीजेपी लगातार ये बातें कर रही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है ये पूरी तरीके से बिहार सरकार इस मुद्दे को लीपापोती करनी चाहती है। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस मुख्यालय के ADG है जितेंद्र सिंह गंगवार वो जानकारी दे रहे हैं कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जो बीजेपी नेता की मृत्यु हुई थी उनकी किन वजह से मृत्यु हुई थी। देखिए तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए जो पुलिस मुख्यालय के ADG है जितेंद्र सिंह गंगवार वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो में देखिए। प्रेस मीडिया में सारी चीज़ें आ गई हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान आ गया, सीनियर SP का बयान आ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि वो कार्डियक फेल्योर या हार्ट अटैक या बेसिकली दिल की बीमारी रोग के कारण मृत्यु होने की बात बताई गई है। विस्तृत प्रतिवेदन आपको पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया जाएगा। पहले भी उनके द्वारा बताया गया था कि प्रथम दृष्टया जो बातें लग रही हैं CCTV फुटेज, मौके पे जो लोग थे शामिल उनके बयान और जो साथ में उनके लोग चल रहे थे उनके बयान से ऐसा लगता था कि इस प्रकरण में इनकी हत्या जो आप कह रहे हैं उसमें नहीं होकर के अलग हुई है। अब पोस्टमार्टम के बाद भी हम लोगों की जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन था उसको स्पष्ट रूप से बल मिला है और अब ये कहा जा सकता है कि ये घटना एक दूसरी घटना थी, एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था जिसमें हार्ट फेल्योर या कार्डियक प्रॉब्लम या हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई। पुलिस इस मामले में सारे तथ्यों को न्यायालय के सामने रखेगी और उसके बारे में समय पर आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो अभी आपने देखा जो पुलिस मुख्यालय के ADG है जितेंद्र सिंह गंगवार, उन्होंने बताया कि बीजेपी नेता की जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु लाठीचार्ज से नहीं हुआ था बल्कि हार्ट अटैक से हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ आ गया है। और वहीं जितेंद्र सिंह गंगवार ने ये भी कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि उनका लाठीचार्ज से मौत हुआ है, तो ये सरासर गलत है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो चुका है कि उनका हार्ट अटैक होने से उनका मौत हुआ है। और वहीं जितेंद्र सिंह गंगवार ने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरीके से जो पुलिस है उसको कहीं ना कहीं बल मिली है, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार इस मामले को ये कह रही है कि बिहार सरकार पूरे मामले को लीपापोती करने में लगी है और वहीं दूसरी तरफ कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब जो पुलिस मुख्यालय के ADG उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो चुका है कि जो बीजेपी नेता की मृत्यु हुई थी वो हार्ट अटैक से हुआ है, ना कि लाठी चार्ज से हुआ है। और भी क्या कुछ कहना था जितेंद्र सिंह गंगवार का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।